गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा क्लास है वो है आपको सी सी लैंग्वेज फॉर बीसीए स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट। कोई भी सी का जो सिलेबस है, आप बीसीए में पढ़ो, एमसीए में पढ़ो, कुछ भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, अब मुद्दे की बात है, मेरा फर्स्ट क्लास हो चुका है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने कवर कर लिया है, आप उसको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात आता है हाउ टू प्रोग्राम विथ सी। हमने ये सारा क्वेश्चन क्लियर कर लिया है, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, what is the need of programming language and history of programming language, okay? अब हमारा जो है, हमारा पूरा future जो focus होगा वो होगा C language पर। तो देखो, C language जो है एक middle level programming language है। इसे middle level programming language इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक high level और low level का मिश्रण है। High level programming language वो होता है जो कि आप उसकी मदद से आप क्या करते हैं, एक ऐसा software बनाते हैं जो कि आपके operating system से interact करता है। ठीक है, हाई लेवल मतलब जो तीन लेवल होता है ना, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर में आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जब आपने बनाया तो इसे कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके मदद से आप वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। ओके, दूसरा होता है एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। डायरेक्टली किस चीज से इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। तो हार्डवेयर से इंटरेक्शन करने की कैपेसिटी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। तो क्या है ना, सी में ये कैपेसिटी भी है कि आप डायरेक्टली लो लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि ड्राइवर बनता है, डिवाइस ड्राइवर बनता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि इससे बनता है। मतलब जो इसमें एक फीचर है, वो फीचर है तुम्हारा कि आप लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे रखा गया है मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत। ओके, तो बात आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहला चीज है, इसका भी एक कंपाइलर है। अब तो आज के दुनिया में एक्चुअली 1980 के आसपास का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो तुम समझ सकते हो कि आज करीब करीब 40 साल बाद भी हम सी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ तो बात होगी। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चले गए, लेकिन सी अभी भी बचा हुआ है क्योंकि इसकी कुछ एडवांटेज है जो अभी भी जरूरत पड़ती है। बात समझ रहे हो? दूसरी बात, इट इज अ बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझने में थोड़ा आज के डेट में डिफिकल्ट है, हमारे जमाने में डिफिकल्टी नहीं थी क्योंकि हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। तो डॉस के दुनिया में हम जिस चीज से फैमिलियर थे, जिस सिस्टम से फैमिलियर थे, प्रोग्राम भी हम उसी के लिए कर रहे थे। लेकिन आज जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो आज अगर आपको हम सी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो है विंडोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विंडोज बेस्ड जीयूआई। तो बात आता है विंडोज बेस्ड जीयूआई, तुम काम उस पे कर रहे हो, लेकिन तुमसे जो हम प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं तुमसे सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था तुम्हारा सी। सी से कोई ग्राफिकल यूजर प्रोग्रामिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप मेहनत करो, ये तो हम कर ही रहे हैं। अब डॉस पढ़ लो, अब डॉस का पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या तो मैं दूसरा एक दो दिन का क्लास बना करके दे दूंगा कि व्हाट इज डॉस, दो तीन चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। जब डॉस समझ जाओगे ना, तब आप थोड़ा बेहतर तरीके से सी को समझ पाओगे, क्योंकि वहां जो होगा हर चीज कमांड बेस्ड होगा, हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो कमांड बेस्ड बनेगा। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, चलिए मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ कि डॉस होता क्या है। इट जो डॉस, इसे डॉस कहते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेरा ऐसा ही होता था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर जैसे आपको कोई फाइल बनाना है ना, जैसे आज के डेट में आप जाते हो एमएस वर्ड खोलते हो कॉपी और क्या कर देते हो, फाइल न्यू करके लिखते हो, लेकिन यहाँ ये नहीं होता। यहाँ होता था कॉपी कॉन, कोई मान लो फाइल बनाना है, मान लो मेरा arrays.txt बना लिया, हेलो दिस इज रौनक, वेलकम टू सी लैंग्वेज क्लास, और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल जेड दबा करके एंटर कर देते थे। देखो ऐसे बनाया जाता था, उसमें कमांड हम देते थे, कोई भी क्या करते थे कमांड देते थे। अरे यार जान जाओ, ये जो कॉपी कॉन arrays.txt कर रहे हो ना, ये भी जो प्रोग्राम बना हुआ है ये सी में ही बना हुआ प्रोग्राम है। अब अगर तुम इसको देखना चाहते हो, कुछ नहीं है, डबल क्लिक कर दिया। आज के डेट में क्या करते हैं,
जाते हैं डबल क्लिक कर देते हैं उस फाइल को खोज करके, या एमएस वर्ड का फाइल है तो उसमें जाकर ओपन कर लेते, नहीं इसमें कमांड लिखना पड़ता था एडिट कमांड, पर edit एडिट rs.txt एडिट नहीं था, कॉपी कौन के लिए कौन सा कमांड था, अब मेरे को भी इतना दिन हो गया ना इसमें, अब देखना पड़ेगा रुको। के लिए क्या था कमांड डीआईटी, टाइप कमांड है यूआईपी टाइप rs.txt, देखो यही हम लिखे थे ना उसमें, तो आ गया। तो ये हर चीज यहां पर क्या होता था, कमांड बेस्ड होता था, तो सी में जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना वो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करेंगे, बात समझ रहे हो, इसलिए हमें थोड़ा बहुत डॉस सीख लेना जरूरी है, खैर इस पर बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं अपने रियल दुनिया में। अब बात आता है, हमने आपको बता दिया है प्रीवियस क्लास में व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कहते हैं सारा चीज हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है, आज मेरा जो था तो हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है। तो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए बाबू आपको जो है एग्जाम भी देना है बीसीए का, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं, तो उसको आप लोग देख लोगे, हम इसी नोट्स को देखते हुए फुल स्पीड में खींचेंगे क्लास को। हाउ टू इंस्टॉल भी अभी आपको बता देंगे, हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू रन द योर फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ बेसिक चीजें हैं पहले उसको देख लेते हैं। कहता है सबसे पहला चीज है रूल ऑफ सी, सी को पढ़ने से पहले आपको कुछ ये मेन चीजें हैं आपको उसको याद कर लेना है। कहता है मेन इज द फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। देखो प्रोग्राम जैसे कि कॉपी पे कुछ लिखा हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो तुम कहीं तो उसको पढ़ना चालू करोगे ना, तो तुम जहां से पढ़ना चालू करते हो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। उसी तरह से अगर कोई प्रोग्राम है तो वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसमें दिए हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर उस प्रोग्राम को पढ़ना कहां से स्टार्ट करेगा। तो कहता है ये रूल ऑफ सी में लिखा हुआ है, मेन इज द फर्स्ट फंक्शन विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। जब प्रोग्राम रन करना चालू करता है तो वो कहां से रन करना चालू करता है, मेन फंक्शन से। उसके बाद कहता है कंप्यूटर में कभी मत समझना कि अगर हम ए कैपिटल और स्मॉल लिखे तो दोनों बराबर है, ओके? उसका कहता है एवरी प्री डिफाइंड थिंग मस्ट बी डिफाइंड इन लोअर केस। जो भी पहले से बना हुआ चीज है सी में वो क्या है ना, प्री लोअर केस में है। उसके बाद कहता है एवरी थिंग और स्टेटमेंट मस्ट बी क्लोज्ड। For this purpose, she can use two type of terminator. कहता है जैसे कि हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो फुल स्टॉप और कोमा होता है ना, उसी तरह से अगर तुम यहाँ भी कुछ लिखोगे तो बताओगे ना कहाँ पे कोमा लगा रहे हो, कहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहे हो। यहाँ पे दो टाइप का टर्मिनेटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है सिंगल लाइन टर्मिनेटर,
जो एक लाइन का काम खत्म हो गया और टर्मिनेट करना चाहते हो तो सिंगल लाइन टर्मिनेटर जिसके लिए यूज होगा सेमी कॉलर, दिस इज सेमी कॉलर, जस्ट रिमेम्बर इट। और उसके बाद कहता है बहुत सारे ब्लॉक बना करके, मतलब बहुत सारे ब्लॉक बनाने हैं आपको, कहीं से चालू किए और कहीं तक बंद किए। तो ब्लॉक बनाने का जो काम होता है, मतलब मल्टीपल लाइन को टर्मिनेट करने का काम जो होता है, मल्टीपल लाइन टर्मिनेटर करता है, उसके लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, मतलब मध्यम पोस्ट खोलो और मध्यम पोस्ट बंद करो। ओके, अगला कहता है व्हेन वी यूज एनी प्रीडिफाइंड फंक्शन देन इट मस्ट टू डू इंक्लूड देयर हेडर फाइल। अब ये क्या है, ये जब हम प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तब देखेंगे, लेकिन आपको जस्ट याद रखना है इसको। वेरिएबल डिक्लेरेशन आर नॉट अलाउड आफ्टर एनी अदर स्टेटमेंट इन फंक्शन, कहता है ये एक रूल है जिसको आपको याद रखना है। ये सारी गलतियां करोगे तो प्रोग्राम आपका एरर देगा। कहता है नेक्स्ट, रेफरेंस वेरिएबल इज नॉट यूज्ड इन सी। इतने रूल को आपको याद रखना है, 10 लाइन का काम नहीं है 10 लाइन, लेकिन ये 10 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो रिमेंबर दिस 10 थिंग। उसके बाद चलते हैं हम लोग, यहां तक देखिए रूल ऑफ सी। अब कहते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम हम स्टार्ट कैसे करेंगे, इस चीज का जो है यहाँ नोट्स अवेलेबल नहीं है, नहीं है, आप इसका नोट्स खुद से बना लोगे इस वीडियो से। सबसे पहला चीज है प्रोग्रामिंग जब आप करने जाओगे तो इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आएगा वो आएगा तुम्हारा कि आपको क्या आना होना चाहिए, आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां आप कोड कर सके। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कोड है, सॉरी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिस मतलब सी के कंपाइलर बहुत तरह के हैं, लेकिन एक्चुअल अगर कोई है तो टर्बो सी है, बाकी सब उसी से बना हुआ है, थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा। जैसे कि आपको मिल जाएगा सी फॉर विंडोज 7, सी प्लस फॉर एक्सपी, डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक, टर्बो सी। तो आप किसी का भी इस्तेमाल करो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली तो हम टर्बो सी पे काम करते हैं, लेकिन टर्बो सी पे काम करोगे ना बच्चे तो टर्बो सी में एक प्रॉब्लम है, अगर हम करेंगे तो मेरा जो है ना ये नहीं चलने देगा, ये जूम जो चल रहा है जूम को ही बंद कर देगा टर्बोसी, टर्बोसी जूम का सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वजह से हमें जो है या तो कोड ब्लॉक यूज करना पड़ेगा या डेव सी प्लस प्लस यूज करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी बहुत चेंजिंग है कोई बात नहीं, उसको हम लोग मेकअप कर लेंगे। तो चलो मैं ना कोड ब्लॉक ही इंस्टॉल कर लेता हूँ, कोड ब्लॉक को डाउनलोड कर लीजिएगा आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से, जितने बिट का हो नेट से लेकर के, उसके बाद डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, पहला स्टेप इंस्टॉल ए कंपाइलर, कुछ नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना। पहला स्टेप इंस्टॉल ए कंपाइलर, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। सी में हम कोड करेंगे, जस्ट एक बार और रिमेम्बर करने के लिए, सी में कोड करेंगे तो जो सी भाषा में लिखा हुआ होगा, सी भाषा जो चीज को मतलब सी लैंग्वेज जिस चीज को सपोर्ट नहीं करता है वो चीज आप और हम नहीं लिखेंगे। अगर लिख दिए तो वो होता है रन एरर, तो एरर अगर आपके प्रोग्राम में आया तो वो रन नहीं करेगा, तो एरर को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। एरर फ्री कोड लिखिएगा तभी जब आप उसको कंपाइल कीजिएगा तब वो बाइट कोड बनाएगा, आप उसको रन करवाइएगा या लिंक कीजिएगा तब आप उससे क्या कर सकते हैं, लिंकिंग और करने के बाद आप उसको रन करवा सकते हैं। तो इतनी सारी प्रोसेस है, सबसे पहला काम हमने क्या किया, कोड ब्लॉक से हम काम कर रहे हैं। ओके, ये मेरी मजबूरी है कि कोड ब्लॉक से मैं काम कर रहा हूँ, आप अगर टर्बो सी पे भी करें और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा, कोडिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो इसमें कैसे वर्क करते हैं वो देख लो, सबसे पहले इसमें जो वर्क करने का तरीका है उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, आप जाइएगा न्यू प्रोजेक्ट बनाइएगा। ओके, अब कहता है कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है भैया, कंसोल एप्लीकेशन आप चुनिएगा, कौन सा एप्लीकेशन चुनिएगा, कंसोल एप्लीकेशन चुनिएगा, चुन लीजिएगा, गो कर दीजिएगा। अब मैं स्किप कर दिया इसको ताकि अगली बारी नहीं पूछेगा नेक्स्ट क्या बनाना है नहीं बनाना है, सी प्लस प्लस और सी, आई कैन चूज सी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का टाइटल दीजिएगा, तो मेरा देता हूं मैं फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम, फोल्डर तुम चाहो तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेहतर रहेगा कि सेलेक्ट कर दो, तब सब प्रोग्राम तुम्हारा वहीं रहेगा। ई में मैं जा रहा हूं और वहां पे एक न्यू फोल्डर बना दे रहा हूं,
सी प्रोग्राम और ऑनलाइन लेक्चर, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, डबल क्लिक कर दिया इस पे और डबल क्लिक करके इधर गया, इधर गया, देख लेना यहां वो आ जाए, ओके कर दिया, ओके नेक्स्ट, बस नेक्स्ट करते जाओ। ये हो गया तुम्हारा, जब तुम नेक्स्ट करते कर यहां आ गए, अब यहां पे तुमको क्या करना है, अब यहां पे तुमको सोर्स फाइल में जा करके main.c फाइल को खोल लेना है। देखो क्या करना है, सी में जाना है, सोर्स में जाना है, यहां बगल में सोर्स आएगा, उसके main.c को खोल लेना। तो अब थोड़ा सा सब अच्छा हो जाता है कि ये सारा चीज लिख के दे देता है, पहले हमको ये सारा चीज भी लिखना होता। तो देखो अब यहाँ पे हम चालू करते हैं प्रोग्राम को बनाना, तब तुमको समझ में आएगा प्रोग्राम क्या होता है। अभी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, बस इसको ध्यान से देख लेना है, ये बड़ा होने का चांस है क्या। चलो बहुत बेहतर बात। एक चीज है प्रोग्राम के बारे में, एक चीज बताना भूल गए कि प्रोग्राम जो काम करता है ना, तीन ही चीज पे काम करता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट देता है। तो हमें भी बस तीन चीज ही सीखने होते हैं प्रोग्रामिंग में, हाउ टू टेक इनपुट, हाउ टू गिव मैसेज एंड हाउ टू प्रोसेस द डेटा, ओनली थ्री थिंग कंप्लीटली। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस तीन काम हमको सीखना होता है, कैसे हम प्रोग्राम को से क्या करेंगे, आउटपुट देंगे जो यूजर के काम आएगा, कैसे हम उससे इनपुट लेंगे जो प्रोग्राम के काम आएगा, कैसे हम उस डाटा को प्रोसेस करेंगे। ये तीन चीज पे ही डिपेंड करता है, ये प्रोग्राम तीन चीज पे ही डिपेंड करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस साइकिल को समझ गए तो कहानी खत्म। देखो इसमें क्या है, तुमको ऐसे बना हुआ आएगा तो तुम इसको कुछ मत करना भैया, मिटा देना, कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेना। देखो सबसे पहले चीज हम लोग को क्या करना है, लिखना है हैश आईएस इंक्लूड कोनियो डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट बंद हैश इंक्लूड stdio stdio डॉट एच एंगुलर ब्रैकेट बंद int int main main, यही अंतर होता है int main यहां लिखना पड़ता है कोड ब्लॉक में, जबकि हम नॉर्मल टर्बो सी पढ़ते तो वहां void main भी लिख सकते थे, तो फिर कोई बात नहीं, यहां int main लिखना है। अब कहता है क्या, सिंपली हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके जरिए हमको प्रिंट करना है अपना नाम, तो प्रिंट एफ print प्रिंट एफ हेलो क्लास, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रन करवाना है, रन कराने के लिए देखिए यहां पर एक ग्रीन बटन देख रहे हैं आप, इट्स रन कमांड, या देखिए इट्स बिल्ड एंड रन, इट्स बिल्ड। आपको कुछ नहीं करना है, इतना सारे माता बच्चे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रन पर क्लिक कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, इट्स सेम दैट प्रोजेक्ट नॉट बीन बिल्ट एट, डू यू वॉन्ट टू बिल्ड इट नाउ, यस, आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए आउटपुट क्या आता है आपका, यहाँ आपका आउटपुट आ जाएगा इसका। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे नीचे में पढ़ लो, बिल्ड फेल वन एरर वन वार्निंग, मतलब है इसमें एक एरर है, तो मतलब समझ गए, जब आप रन करवाइएगा तो मस्ट है कि एरर फ्री कोड हो आपका, मैंने जान करके इसमें एक एरर छोड़ दिया है। और एरर क्या है, ये प्रिंट एफ जो है जब तुमने लिखा तो इसको खत्म कहाँ किया, तो इंट करने के लिए यूज होता है सेमी कॉलर, जस्ट रन इट, ऑलवेज यस करना है। देखिए आउटपुट आ गया, हेलो क्लास दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। इसके नीचे वाली चीजों को आप ना देखें, आपका आउटपुट जो है सिर्फ ऊपर वाला है, हेलो क्लास दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज, बात समझ गए। तो यही है प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, हम कैसे मैसेज देंगे, आप जो इसमें लिखिएगा
तो यहाँ मैंने लिख दिया हेलो क्लास, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। आप इसी जगह पे कुछ और लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं माय नेम, मैं लिखूं अपना नेम, माय नेम इज यार रौनक सिंह, ठीक है, मोबाइल नंबर है मेरा, वैसे सबको पता ही है, रन करवाइए, देखिए क्या दे रहा है, हेलो क्लास दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, ये गंदी आदत है इसकी, तो अब आपको करना पड़ेगा बिल्ड एंड रन, माय नेम इज यार रौनक कुमार सिंह, तो आप बेहतर रहेगा रन कभी ना यूज करें, आप हर बार क्या यूज करें, बिल्ड एंड रन, बिल्ड एंड रन, बिल्ड एंड रन, ओके, बिल्ड एंड रन मतलब पहले कंपाइल करो तब रन करो, रन का मतलब जो पहले से कंपाइल किया हुआ है सिर्फ उसी को कंपाइल करके छोड़ दो, बात समझ गए। तो यहां पर देखो हर चीज को लाइन बाय लाइन लिखा जाता है, कुछ चीजें आपको शुरू में है जो करनी है, धीरे धीरे हर चीज हम लोग देखेंगे कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज आता है, प्रोग्राम को ऐसे लिखना सीख गया होगे तुम, ऐसे ही लिखना है, अभी सिर्फ प्रिंटिंग सीखेंगे, सिर्फ प्रिंटिंग सीखेंगे, तो उस प्रिंटिंग के आधार पर सबसे पहला चीज है कि किसी भी चीज को तुम प्रिंट करना चाहते हो ना, तो पहले से दिखा दिया हुआ कुछ टेक्निक है जिस टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। ये टेक्निक क्या है, अगर आप कुछ भी कंप्यूटर के जरिए लिखना चाहते हो अपने प्रोग्राम के जरिए, तो इसमें कैसे लिखोगे, सी जो प्रोवाइड करेगा उसी से ना लिखोगे, क्योंकि सी जो है प्रिंट एफ को कंप्यूटर के भाषा में बदल देगा। तो प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट एफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रिंट एफ। तो आपको मैं थ्योरी दिखा दूं प्रिंट एफ का, कहां गया मेरा थ्योरी सेक्शन, देखो सी पे प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो हमने कर लिया, अब यहां से चलते हैं प्रिंट एफ, कहता है प्रिंट एफ याद करना पड़ेगा ये सब कुछ चीजें, या तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग एनी मैसेज और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द कंसोल विंडो और आउटपुट स्क्रीन, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला कहता है प्रिंट एफ डिफाइन इन हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एट, सो व्हेन यू यूज प्रिंट एफ इन आवर प्रोग्राम देन इट मस्ट टू इंक्लूड द हेडर फाइल इन प्रोग्राम एच हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो में है stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका जो है फुल फॉर्म है, तो आप उसको यूज कीजिएगा। इट इज फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, इसके जरिए आप आउटपुट को सजा सकते हो, इसलिए इसे कहते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। हैज इंक्लूड स्टेटमेंट ऑलवेज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ये याद रखिएगा, उसको आप कहीं और नहीं लिख सकते। सिंटैक्स क्या है प्रिंट एफ का, मतलब ग्रामर कैसे लिखा जाता है, देखो प्रिंट एफ छोटी कोट चालू, डबल कोट जो लिखना है वो लिख दो, डबल कोट बंद कर दो, बात समझ गए, और लास्ट में सेमी कॉलन देना जरूरी है। फंक्शन यूजर डिफाइंड मैसेज, और ये जो बीच में मैसेज है इसमें तुमको जो लिखना है वो लिखिए। प्रिंट एफ डिस्प्ले, प्रिंट एफ डिस्प्ले प्रिंट एवरीथिंग एज इट इज ऑन द कंसोल दैट इज गिवन इन टू डबल कोट एरिया एक्सेप्ट टू थिंग एस्केप सीक्वेंस एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग, कहता है उस प्रिंट एफ में तुम जो जैसे लिख दोगे वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा, दो चीजों को छोड़ के, कौन दो सी दो चीजें हैं, एक है एस्केप सीक्वेंस और दूसरा है फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो दोनों हम आगे देखेंगे। अब कहता है जैसे कि मेरे को लिखना है मेरा नाम जो है माय नेम इज निकिता, ये निकिता का कॉपी है इसलिए यहां लिखा हुआ है प्रिंट एफ मायसेल्फ निको। अब चलिए मैं आपको इस चीज को करके दिखाता हूं, फिर से इतना तो लिख ही लोगे ऊपर में जो है, बाकी ये काम करोगे प्रिंट एफ, अगर तुमको लिखना है माय नेम इज रौनक कुमार सिंह, ओके, तो देखो ये कंसोल पे जैसे का तैसा छाप देगा, बिल्ड एंड रन, देखो माय नेम इज रौनक कुमार सिंह आ गया। अब चाहते हो तुम और कि एक लाइन और लिखना है, एक बार और लिखना है, मतलब दो बार लिखना है, जब तक बंद नहीं करोगे तब तक ही नहीं होगा, हटेगा, इसको बंद करना होगा, तो नहीं इसका आउटपुट स्क्रीन चल रहा है, या तो बंद करो या डबल क्लिक कोई भी क्लिक कर दोगे वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा,
देखो क्या बार लिखा, माई नेम इज रौनक कुमार सिंह, माई नेम इज रौनक कुमार सिंह, दो बार लिख दिया ना। अगर इसी में लिखना चाहते हो देखो, अगर हमको यहां सेमी कॉल फुल स्टॉप लगाना है देन यूज लो स्टॉप। देखो क्या है, माय नेम इज रौनक कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ बीसीए एसएनएसआरकेएस बीसीए डिपार्टमेंट। बात समझ गए, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। प्रिंट एफ में आप जो भी चीज दीजिएगा तो मतलब जस्ट रिमेंबर इट, प्रिंट एफ में क्या है, ये डबल कोट एरिया, ये डबल कोट एरिया याद रखिएगा। पहले प्रिंट एफ लिखना है, फिर ये वाला देना है ओपनिंग छोटी कोस्ट, और उसके बाद क्लोजिंग छोटी कोस्ट जिसे हम लोग पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसको अब क्या करना है लिख देना है। जो लिख दोगे वो आउटपुट पे जैसे का तैसा ये प्रिंट कर देगा, जो भी लिख दोगे जैसे का तैसा क्या कर देगा, ये आउटपुट पे प्रिंट कर देगा। अब तुम क्या लिख दोगे, तुम वही ना लिख सकते हो जो तुम्हारे कीबोर्ड पे अवेलेबल हो, हिंदी में लिख भी नहीं सकते हो क्योंकि हिंदी सपोर्ट नहीं करता है ये। बात समझ गए, तो मतलब तुम जो लिख दोगे ये कंप्यूटर पे छाप देगा। अब तुमको एग्जाम्पल दिखाते हैं इसका हम, एक और एग्जाम्पल। देखो कीबोर्ड पे जितना चीज है हम सब लिख देते हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी, क्या कहते हैं ये, कर ली खोलो कर ली बंद करो छोटी को, उसके बाद ए एस डी एफ जी एच आई जे, टिंग 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 टिंग, जो लिख सकते हो सब लिख दो, सब ले लेगा। तुम में जो लिखने की पोटेंशियल है आप लिख दीजिए, ये हर कैरेक्टर जो आप प्रिंट एफ के अंदर लिख सकते हैं प्रिंट एफ उस चीज को प्रिंट कर सकता है। देखिए जो मैंने लिखा प्रिंट एफ में जैसा का तैसा उसने वहां पे प्रिंट कर दिया, ये नीचे वाला आ रहा है फैकल्टी ऑफ, तो ये नीचे का काम कर रहा है। बात समझ गए, देख रहे हैं? जो जैसे दीजिएगा वैसे प्रिंट हो जाएगा। बात समझ गए, इसमें आपको दो डबल कोट एरिया में जो जैसा दीजिएगा वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। अब आप जो मन करे प्रिंट कर लीजिए, जैसा मन करे वैसा प्रिंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात था डॉस के जमाने में, मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हम लोग डॉस के जमाने में, डॉस के जमाने में वो फॉर्मेट वॉर्मेट होता ही नहीं था, ना टेक्स्ट का साइज बढ़ता था ना टेक्स्ट का साइज छोटा होता था, बस काला उजला तुमको लिखना है, तो इससे तुमको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बस बेसिक चीजें हैं आपको वो करना है। अब इस चीज पे जो जो गलती करोगे सब तुमको हम दिखा देते हैं। जैसे ये दो डबल कोट एरिया छोड़ दो, रूल के अगेंस्ट चले गए ना, प्रिंट एफ क्या कहता है, डबल कोट होना चाहिए स्टार्टिंग में, रन करवा के देख लो। देखो क्या कहा, देखना नीचे में एरर देता है तुम्हारा ये। अब तुमको समझ में तो आ नहीं रहा ये क्या हो रहा है, तो तुमको रूल पता होगा तब ना सही करोगे, यहां प्रॉब्लम क्या है, डबल कोट नहीं है, सो यू मस्ट यूज टू डबल कोट। कब चाय पिलाना बेटी, बात समझ गए, अब दो डबल कोट दे दिए एरर सही हो गया, रन करवा लीजिए। तो ये कैसे होगा, जब आपको रूल पता होगा, रूल काम क्या है, हमको मैसेज देना है, प्रिंट करना है, आउटपुट देना है यूजर को। अब तुमको क्या देना है तुम जानो, लेकिन देना है इसका मतलब है सी उसका आंसर क्या देता है, सी उसका आंसर देता है कि प्रिंट एफ इज ए फंक्शन। तो प्रिंट एफ के बारे में तुमको याद होगा तब ना, प्रिंट एफ इज ए फंक्शन That is used for printing message or value to the output screen. Just आप प्रिंट एफ लगा दीजिएगा। बस समझ गए, अब एक चीज और दिखाते हैं तुमको। कहता है प्रिंट एफ के साथ एक और रूल जो था, स्टूडियो लगाना क्यों जरूरी है, हमने लगा दिया ना, इसलिए आपको कर रहा है कंट्रोल है, हटा दिया मैंने इसे। अब रन करिए, देखिए फिर मारेगा एरर। चलिए ये नहीं मारता है, लेकिन अगर ये जो होता क्या कहते हैं आपको टर्बो सी, तो एरर दे देता, क्योंकि इसको यहां पे लगाना जरूरी होता है, इसलिए आप कॉपी में जब भी लिखिएगा तो ऐसे ही प्रोग्राम लिखिएगा। बात समझ गए,
तो बात समझ गए, तो आगे चलते हैं। तो देखते हो आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। वॉइड मेन अब आपको लिखना है तो लिखिए, लेकिन अगर आप डेफसी यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वॉइड मेन के जगह पे इंट में लगाना पड़ेगा। ओके, वॉइड मेन नहीं लेता है डेफसी, हम तुमको करके दिखा देते हैं, कहीं लेता हो अगर ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप यूज कर सकते हो, लेकिन हमको नहीं लगता है डेफसी लेता है, वॉइड ले लेता है। तो आप वॉइड मेन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो एनी फॉल्ट। ठीक है, वॉइड मेन लिखिए, अच्छी प्रैक्टिस है, वर्ड में नहीं लिखिया, वर्ड में सारा प्रोग्राम बनाइए। बात समझ गए? अब आपको करना क्या है, प्रोग्राम बनाना है, आउटपुट देना है। तो आउटपुट देने के लिए चलो हम तुमको देखते हैं। सबसे पहला है आउटपुट लिखोगे तब ना, हम चाहते हैं कि तुम ऐसा लिखो, नेम, अपना नाम, रौनक कुमार सिंह, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ओके, ई मेल, ये आउटपुट चाहिए हमको, समझ गए? तो तुम इसको लिख सकते हो, चलो लिखते हैं, लिखते हैं ये आउटपुट आपको चाहिए। तो देखिए अभी एक नया चीज सिखाऊंगा मैं आपको, आप चाहो तो एक प्रिंट ऐप में हर चीज लिख दो, आप चाहो तो मल्टीपल प्रिंट ऐप का यूज कर लो। ठीक है, आप दो लाइन में सी के कोड को लिख नहीं सकते हो, एक ही लाइन में लिखना होगा। देखिए देखिए, रौनक कुमार सिंह, फादर्स नेम, ए के सिंह, मोबाइल नंबर, इतना, ईमेल आईडी, इतना, सब एक लाइन में है ना। तुमको हम कहे थे कैसे देने के लिए आउटपुट, ऐसे लाइन से, नेम, उसके बाद फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, तो इतना। तो यहां जो हम लिख रहे थे तो बच्चे क्या कर रहे थे, इंटरप्रेस करते थे तब ना नीचे आते थे, लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो इंटर नहीं कर सकता है ना। तो प्रिंट एफ में हमने जो लिखा है, प्रिंट एफ में हमने क्या लिखा है, प्रिंट एफ में हमने जो कोड लिखा है वो देखिए, प्रिंट एफ में जो हमने कोड लिखा है वो एक लाइन में लिखा। तो तुम तो कहोगे कि सर एक लाइन में लिख दिया तो एक लाइन में ना आएगा, चलो हम इसको मल्टीपल लाइन में लिख देते हैं, क्योंकि प्रिंट एफ ही दोगे तभी वो प्रिंट होगा, तुम्हारे कुछ लिख देने से कुछ नहीं होगा। उसका मतलब है कि आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंट एफ के बिना कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। बात समझ गए? थोड़ा देर बाद बेटा, अल्लाह मत करो, चलिए। अब तो आपको मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए सबको अलग अलग लिख दिया, प्रिंट ऐप रौनक कुमार सिंह, प्रिंट ऐप फादर्स नेम, उसके बाद प्रिंट ऐप मोबाइल नंबर, प्रिंट ऐप ईमेल आईडी, इतनी चीजें हो गई। अब तो आपको लगना चाहिए कि मेरा आउटपुट जो डिजायर आउटपुट है वो ऐसा आ जाएगा, कि चलिए करके देखते हैं। डिजायर आउटपुट मेरा आता है या नहीं आता है, बिल्ड एंड रन, देखिए क्या हुआ, फिर एक ही लाइन में आ गया, क्यों एक ही लाइन में आ गया। तो चलिए ये हम करके आपको दिखाते हैं कि क्यों एक ही लाइन में आ गया। देखो सबसे पहला चीज है ड्राई रन द प्रोग्राम, प्रोग्राम का ड्राई रन मतलब हमको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। सबसे पहले एक मिनट रुकना बच्चा लोग, आप उस पर
बोलो। हाँ होगा, अभी तो नहीं होगा, खोजना पड़ेगा, खोज के दे देंगे। अभी तो बाबू एक घंटा तो हमको क्लास छोड़ने में लगेगा। तो मुद्दा है, कहता क्या है, व्हाइटमैन से प्रोग्राम को रन करना चालू करो। हाँ ठीक है, व्हाइटमैन सही है, सेबी के उसके बाद करली होना चाहिए, ये वाला करली रूल कहता है होना चाहिए। करली के बाद हमको प्रिंट एफ में हमने लिख दिया, डबल कोट है, सही है, नेम रौनक कुमार सिंह। तो क्या हमने पढ़ा, प्रिंट एफ क्या कहता है भैया, दो डबल कोट के बीच में जो है छाप देंगे। तो देखो रौनक कुमार जो भी है आउटपुट स्क्रीन पे छाप दिया, उसके बाद इसका काम खत्म। अगला लाइन ये क्या कहता है, जो भी है आउटपुट स्क्रीन पे छाप देंगे, तो ये भी आउटपुट स्क्रीन पे जा करके छाप देगा। सिंपली मान लो कि ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, बात समझिए, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। तो अब क्या है, देखो पढ़ना चालू किया, वहां से सबसे पहला एन पढ़ा छाप दिया, ए पढ़ा छाप दिया, ई पे एम ई छापा, स्पेस दिया छाप दिया, स्पेस दिया, आर है छाप दिया, ओ है छाप दिया, यू है छाप दिया, एन है छाप दिया, ए है छाप दिया, के है छाप दिया, स्पेस डिस्पोज भी छाप दिया, के यू एम ए आर को छाप दिया, स्पेस दिया, एस आई एन जी एच को छाप दिया, स्पेस दिया, काम खत्म किया। ओके अब यहाँ इसका काम खत्म हो गया, काम खत्म मतलब प्रिंट एफ का काम खत्म। तो ये प्रिंट एफ का जब काम खत्म, देखना ये कर्सर कहाँ पर है जो राइट कर रहा है, यही ना है, जो भी चीज तुम लिखते हो कर्सर के पास रहता है ना, ये जो राइटिंग कर्सर है। अब यहां से जब नया लाइन छापना कहा तुमने शुरू करो, तो डबल कोट है ठीक है, दो डबल कोट के बीच के सब चीज को हम छाप देंगे, लेकिन कहाँ छापेंगे, जहां कर्सर है वहीं छापेंगे। कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो अगर अब लिखे हम एफ ए टी एच फादर्स नेम ए डॉट के, तो यही ना आ जाएगा स्पेस, यहाँ स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं होगा। तो मुद्दा क्या आ रहा है, जहां ये कर्सर है काम वही होगी, बात समझ गए। तो कहता है सर तो मेरा डिजायर वर्क है वो कैसे होगा, तो आपका जो डिजायर वर्क है उसके लिए मैंने आपको दिखाया था प्रिंट एफ का कॉन्सेप्ट। प्रिंट एफ क्या कहता है, प्रिंट एफ कहता है कि उसमें दो चीज ऐसा है जिसको क्यू छोड़ देता है, एक है फॉर्मेट स्ट्रिंग और एक है एस्केप सिक्वेंस। तो एस्केप सिक्वेंस की अब बारी है, एस्केप सीक्वेंस अब तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो एस्केप सीक्वेंस को भी मैं खत्म कर देता हूं अभी। ये देखो एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर दैट इज स्टार्टेड विद स्लैश। ए एस्केप सीक्वेंस आर जनरली यूज्ड इन प्रिंट एफ सेक्शन। एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड फॉर अरेंजिंग मैसेज ऑन कंसोल थ्रू द प्रोग्राम। प्रोग्राम के जरिए आउटपुट को सजाने का काम जो है कौन करता है, एस्केप सीक्वेंस करता है। तो एस्केप सीक्वेंस आर नॉट प्रिंटेड ऑन कंसोल एज इट इज, इट हैज इट बिहेव प्रिंट मैसेज अकॉर्डिंग टू द एस्केप सीक्वेंस टेबल। कहता क्या है, अभी हमने तुम्हें क्या बताया था कि जो भी दो डबल कोट के बीच में दे दोगे जैसे का तैसा छाप देगा, लेकिन एस्केप सीक्वेंस एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि स्लैश से स्टार्ट होता है, वो एज इट इज प्रिंट नहीं होता है, वो प्रिंट होता है किसके हिसाब से, उसके टेबल के हिसाब से। तो जस्ट रिमेम्बर दिस टेबल, ये टेबल बहुत लंबा नहीं है, ये टेबल बहुत छोटा है। देखिए स्लैश है यूज फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी यूज फॉर प्रिंटिंग ए टैब स्पेस, स्लैश भी यूज फॉर वर्टिकल टैब, स्लैश बी बैक स्पेस, स्लैश डबल कोट, एक डबल कोट प्रिंट करना है तो ये वाला डबल कोट लगेगा, अगर तुमको एक सिंगल कोट प्रिंट करना है तो ये लगेगा, अगर तुम चाहते हो कि एक स्लैश प्रिंट करना है तो डबल स्लैश यूज करोगे, स्लैश आर रिटर्न टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, स्लैश ए बीप साउंड के लिए यूज होता है, आज के डेट में यूज नहीं कर पाओगे लेकिन अगर हम शुरू की बात करेंगे तो ये बुक में तुमको मिलेगा। तो एस्केप सीक्वेंस जब लिखोगे तो इतना चीज लिखोगे। ओके तो अब बात आती है इसका यूज करने का, इसको याद कर लीजिएगा, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस और एस्केप सीक्वेंस टेबल, बात समझ गए, स्लैश से स्टार्ट होता है एस्केप सीक्वेंस। अब चलिए हम आपको प्रोग्राम के जरिए करके दिखाते हैं। अब क्या है कहानी, ये काम तो कर लिए, अब यहां पर जब स्टार्ट करो तो
तो सबसे पहले कहते हैं लाइन चेंज कर लेना, तो स्लैश एन। फिर कहते हैं जब इसका स्टार्ट करना, तो कहते हैं लाइन चेंज कर लेना, ठीक है। अब इसमें लाइन चेंज ना लगा के हम इसी में लाइन चेंज लगा देते हैं, अब रन करो, देखो सब नीचे आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से जो तुम चाहते थे। देखो रौनक कुमार सिंह, फादर्स नेम एक से, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नीचे आ गया। तो चलिए ड्राई रन कीजिए इस प्रोग्राम को, कैसे आया ये चीज, जो हुआ तो हुआ कैसे। ये रहा तुम्हारा आउटपुट, जब प्रोग्राम कंप्यूटर पढ़ना चालू किया, रन करना चालू किया तो कैसे किया। सबसे पहले कहा गया मेन पर, चलो मेन मिल गया, कर ली है, ठीक है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या कहता है, दो डबल कोट के बीच में जो भी है उसको जैसे कहते हैं प्रिंट कर देगा। तो चलिए भैया प्रिंट करना चालू कीजिए, तो प्रिंट करना चालू किया, क्या मिला यहाँ पर, एन छाप दिया, ए छाप दिया, एम छाप दिया, ये एक एक करके छापता है, एक बार में नहीं छापता है। ई पढ़ा छाप दिया, स्पेस पढ़ा छाप दिया, कॉलम से पढ़ा छाप दिया, आर ओ यू एन ए के एक एक पढ़ते गया छापते गया, यहाँ से पढ़ा यहाँ छापा, 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 ये इसका प्रोसेस है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। काम खत्म, रौनक कुमार सिंह का काम खत्म हो गया। तो फिर जब है काम एक इंस्ट्रक्शन खत्म, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जब ये आएगा तो क्या करता है, प्रिंट एफ क्या पढ़ा, स्लैश है। तो देखो जो ही प्रिंट एफ के अंदर स्लैश पढ़ता है, कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है कि यूजर जो है एस्केप सीक्वेंस टेबल खोलने कह रहा है, क्योंकि इसको कुछ याद नहीं है, ये हर चीज कहीं ना कहीं स्टोर करके रखे हुए हैं। तो इसके इंस्ट्रक्शन सेट में लिखा हुआ है स्लैश एन का क्या मतलब है, ये तुरंत उस टेबल को जाकर के खोलता है। वहां दिखा कि स्लैश के बाद अगर एन लगा हुआ है इसका मतलब लाइन चेंज करना है, तुरंत इसने लाइन चेंज कर दिया, तो कर्सर यहां से नीचे आ गया। उसके बाद जो जैसा है वो तो छापेगा ही एक एक करके। फिर देखो ये काम खत्म, नीचे आया तो पहला स्लैश एन जो ही लगाए तो फिर नीचे आ गया, मोबाइल नंबर लिख दिया, और देखो यहीं पे लास्ट में स्लैश एन लगाए, तो ये काम खत्म करते ही यहीं पे स्लैश एन लगा चुका था। तब ये जब इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, जब नीचे आया, तो मेरा राइटिंग कर्सर यहां था ना, तो यहां स्लैश एन दोबारा लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लाइन ब्रेक हो चुका था, न्यू लाइन हो चुका था। अब ईमेल आईडी, तो बात समझे स्लैश एन कैसे यूज होता है, आप मल्टीपल टाइम यूज कीजिए इसको। ओके, ये हो गया कहानी तुम्हारे स्लैश एन का। अब अगला कहानी है तुम्हारा कि देखो ये अच्छा नहीं लग रहा, अभी जो हम लोगों ने किया था रौनक कुमार सिंह, फादर्स नेम एके सिंह, मोबाइल नंबर, मतलब क्या है ये, देखो कौन कहां है अच्छा नहीं लग रहा है, इसको होना क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसको होना क्या चाहिए ऐसे होना चाहिए, इसको होना क्या चाहिए ऐसे होना चाहिए, तब अच्छा लगता ना। तो अब देखो गिनती करके स्पेस दोगे तो फंस जाओगे, गिनती करके अगर स्पेस दोगे तो फंस जाओगे, कितना स्पेस के बाद सीधा होगा, तो इसके लिए एक है टैब स्पेस। देखो हम अभी जो कंप्यूटर को करके दिखा रहे हैं, एक टैब दो टैब, देखो यहां पर कितने टैब मार रहा हूं, एक टैब, यहां पर एक टैब दो टैब, मतलब टैब का इस्तेमाल कर लो। अब टैब क्या होता है वो भी हम तुमको भी बता देंगे। चलो यहां पर देखो टैप देना है तो स्लैश टी दो स्लैश टी, क्यों दो स्लैश टी वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहां पर देना है आपको स्लैश टी, यहां पर आपको फिर से दो टैप देना है तो स्लैश टी, ईमेल आईडी में भी देना है तो स्लैश टी दो टैप देना है। अब देखिए दो टैप देना था इसमें, लेकिन एक ही टैप देना है, रन कर भाई टैब स्पेस का यूज होता है टैब मारने के लिए। देखो फादर्स नेम सही है ना, यहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है। देखो स्लैश टी के बाद एक स्पेस है यहाँ, बाकी किसी में स्पेस नहीं है। स्पेस दोगे तो सब में देना, नहीं दोगे तो किसी में मत देना। अब करो इसको फिर से, देखो सब सीध में आ गया। तो बात आता है कि कब एक टैब और कब दो टैब। देखो यार टैब क्या होता है वो तुमको हम बता देते हैं। टैब एक फिक्स्ड स्पेस होता है, टैब एक फिक्स्ड एरिया होता है, जो कहता है इसका फिक्स स्पेस होता है कि पहला टैब दोगे तो यहां, दूसरा टैब दोगे तो यहां। तो देखो कहीं से भी मारोगे ना टैब तो उसका एक फिक्स पोजिशनिंग होता है,
यहां से टैप दोगे तो भी यहीं पहुंचेगा, समझ गए, यहां से टैप दोगे तो भी वहीं पहुंचेगा, यहां से टैप दोगे तो भी वहीं पहुंचेगा। तो बात आता है टैब मैनेज करने के लिए काम आता है। तो पहला दूसरा टैब में यहां आया, लेकिन इस केस में क्या था, एक ही टैब में यहां आ गया, और इस केस में क्या है, दो टैब लगा। तो टैब स्पेस का मतलब होता है मैनेज करना पड़ता है टैब को, वो तुमको धीरे धीरे लगेगा, समझ जाना। अभी बस समझ जाओ कि टैब का क्या मतलब है, टैब स्पेस प्रिंट करना, समझ गए, टैब को प्रिंट करने के लिए टैब स्पेस का यूज होता है। अगला स्लैश टी का बात समझ गए आप, नेक्स्ट स्लैश टी के बाद आज के डेट में यूज होना बंद हो गया है ये चीज, वर्टिकल टैब होता था एक स्लैश भी, ये चार जैसे टैब तुमको क्या हो रहा है, सीध में सामने ले जा रहा है, वो सीध में नीचे चार स्पेस नीचे कर देता था। देखते इसको जो है कोड ब्लॉक सपोर्ट करता है या नहीं करता है, बस एक ही में करके देख लेते हैं, हमको नहीं लगता है कोड ब्लॉक इसको सपोर्ट करेगा, नहीं करता है, देखो क्या हो गया। लेकिन जब जिस समय सी बना था एक्चुअल सी, उस समय में था जहां भी स्लैश भी लगाते वो चार लाइन छोड़ देता। इसको यूज करने के लिए अब तुमको विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हम तुमको सिखा सकते हैं। विंडोज एक्सपी के बाद ओरिजिनल सी काम करना बंद कर दिया, लेकिन थ्योरिटिकली आपको पता होना चाहिए स्लैश भी क्या करेगा। स्लैश भी वर्टिकल टैब यूज करेगा, मतलब चार लाइन नीचे एक बार में, जहां लगा दोगे वहीं से चार लाइन नीचे, ओके। उसी तरह से अब कहता है स्लैश बी का काम है बैक स्पेस, बात समझ गया। अब बैक स्पेस मतलब क्या होता है वो दिखाते हैं तुमको, जैसे कि होना क्या है, मैंने यहां पर स्लैश बी का यूज करना है, मैंने लिखा आर्य जे राजा, ओके, राजा लिख दिया, बहुत बढ़िया। राजा लिखने के बाद क्या करता हूं, स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी, क्या प्रिंट करेगा, देखो जब ये रन करेगा तो राजा तो प्रिंट कर देगा, उसके बाद स्लैश बी पड़ेगा स्लैश बी पड़ेगा स्लैश बी पड़ेगा स्लैश बी पड़ेगा। बैक स्पेस तुम्हारे कंप्यूटर पे है, तुम करके देखना क्या करता है। अगर यहां पर राजा लिखा हुआ है आर ए जे राजा, तो बैक स्पेस एक गया जे गया ए गया ए गया, बैक स्पेस यही करता है ना, यही काम तुम्हारा बैक स्पेस वाला करेगा। कोड कोड में क्या है, राजा लिख देगा स्लैश बी, पहले ए मिटा देगा स्लैश बी, फिर जे मिटा देगा, मतलब कर्सर जहां भी है वहां से स्लैश बी काम करना चालू कर देता है। तो करके देखो सपोर्ट करता है या नहीं करता है। कोड ब्लॉक सब में अब बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि ये अब देखो राजा का राजा रह गया, कर्सर वहां चला गया लेकिन राजा का राजा रह गया, तो ये तुमको नहीं समझना है, तुम्हारे हिसाब से ये राजा ओमिट हो जाएगा, ओके, तुम इसको मिटा दोगे। जैसे कि अब यहां पे राजा के बाद हम देखो लिख देते हैं खाजा, देखना राजा के बाद खाजा आ जाएगा, राजा मिट के खाजा हो जाएगा, क्योंकि बैक स्पेस से एक्चुअली वो मिट गया है, लेकिन कंप्यूटर आज के डेट में उस चीज को संभाल नहीं पा रहा है। देखो खाजा हो गया, तो बैक स्पेस का क्या काम है, बैक स्पेस करना, मतलब जहां भी है वहां से किसी भी कैरेक्टर को वो ओमिट करा सकता है, राइटिंग कर्सर को पीछे ले जा सकता है। नेक्स्ट, अब मेरा काम क्या है जानते हो, मेरा काम है मैं लिखता हूं इंडिया इज ग्रेट, आई एन डी आई ए, इंडिया इज ग्रेट, आपको क्या लिखना है, इंडिया इज ग्रेट। तो इंडिया इज ग्रेट मैं चाहता हूं कि इंडिया को आप ऐसे लिखो डबल कोट में, बात समझ गए। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो आप क्या कहोगे, प्रिंट एफ फंक्शन है जिसके अंदर जो भी लिख देते हैं वो आ जाता है, तो चलिए प्रिंट एफ फंक्शन है, जो लिखना था जैसे का जैसे लिखना था वो तो डाल दिया मैंने, अब होना क्या है वो देखो, अब क्या होगा वो समझो तुम थोड़ा सा। ये तो पढ़ना चालू करेगा, क्या पढ़ेगा, एक डबल कोट एरिया चालू, कहां तक पढ़ने कहे हैं, दूसरे डबल कोट तक, तो देखो ये डबल कोट यहीं मिल गया, तो बाकी ये सब चीज क्या कर रहा है सर, क्योंकि इसको तो प्रिंट एफ को सिखाया गया है पहले डबल कोट से चलो और दूसरे डबल कोट तक चलो, तो बाकी जो भी लिख दियो सब एरर है, रन करवा के देख लो एरर आएगा इस प्रोग्राम में, एरर आ गया। तो कहता है तब सर ये काम कैसे होगा, तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर एक डबल कोट तुमको प्रिंट करना है तो यूज दिस स्लैश डबल कोट, यूज दिस स्लैश डबल कोट। अब क्या होगा,
इसका मतलब अलग, इसका मतलब अलग, ये इंडिकेटर है कि ये स्टार्टिंग है, ये इंडिकेटर है कि एंडिंग है, और ये जो है प्रिंट करने के लिए है। अब कीजिए प्रिंट हो जाएगा, देखिए इंडिया में लगा हुआ डबल कोट इज ग्रेट, कहानी खत्म। सेम इसी तरह से अगर आप लिखना चाहते हो फादर्स वाला, वो तो सपोर्ट करता है आज के डेट में, पहले वो भी नहीं करता, जैसे लिखते ना एफ ए टी एच ई आर, और ये वाला यूज कीजिए आप, योर पोस्ट ऑफिस एस देना है तो फादर्स ऐसे लिखिए। वैसे ये जरूरी नहीं है कि लिखिए, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। देखो आगे फादर मतलब एक सिंगल कोट प्रिंट करना है तो फादर, ओके। सेम इसी तरीके से कि तुम चाहते हो कि क्या हो, ए हो स्लैश एम हो, ऐसा प्रिंट करना है तुमको ए स्लैश एम, जैसा ये देख रहे हो आउटपुट पे, एरर देगा, देख लो करके। चलो ये एरर देता है, अगर एक्चुअल सी होता तो ये एरर देता। क्यों एरर देता है जानते हो? क्योंकि स्लैश का जो ही मतलब ये खोलता है ना स्लैश को, ये कहता है कि स्लैश एम होना चाहिए उसमें, लेकिन स्लैश एम तो होता नहीं है तो ये एरर दे देता है। एक्चुअल टर्बो सी अगर होता तो, इसलिए यहां इसने ओमिट किया तो किया। अगर आप स्लैश प्रिंट करना चाहते हैं तो डबल स्लैश दीजिए, देखिए फिर भी आउटपुट तो नहीं ना आया है, अब आएगा। देखिए एक स्लैश प्रिंट हो गया, एक स्लैश एम, तो मतलब अगर एक स्लैश प्रिंट करना चाहते हो तो कितना स्लैश यूज करो, डबल स्लैश यूज करो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, स्लैश आर और स्लैश ए, ये दोनों यूज नहीं होगा, बस इसको तुम याद कर लेना। और याद करने के बाद देखो इस नोट्स में अवेलेबल है आउटपुट, पहले अपना नाम साम जितना इस प्रोग्राम में बना हुआ है सारा प्रोग्राम को खुद से बनाओगे, और आउटपुट अपने कॉपी पे बनाओगे, क्या आया आउटपुट, कोड लिख दोगे और आउटपुट बनाओगे, कोड लिख दोगे और आउटपुट बनाओगे, पहले आउटपुट देख लोगे उसके बाद क्या करोगे, कोड करोगे, बात समझ गए। तो तुम्हारा काम प्रिंट एफ तक सारा कोड करके रखना और प्रिंट एफ तक का नोट्स बना लेना। थैंक यू, मिलते हैं कल सुबह। टास्क याद रखो, मेरे कल क्लास स्टार्ट होने से पहले हमको क्या चाहिए, तुम्हारे प्रिंट एफ तक का नोट्स स्कैन करके मेरे व्हाट्सएप पर, ओके, बात समझ में आ गई। प्रिंट एफ कहां तक है ये देख लो, दिस इज पेज नंबर, ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना, इससे पहले का हर चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितना पेज है, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, ये चार पेज और ये पांच पेज, ये पांच पेज आप लोग को लिखना है और उसका नोट्स बना करके मेरे को भेजना है। प्रोग्राम अगर अपने मन से बनाओगे तो बहुत खुशी की बात, नहीं बनाओगे तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कर सकते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, ये नोट्स व्हाट्सएप पे है देख लेना। डेप्सी को डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो कर लेना, डेप्सी पे ही चल रहे थे ना कोड ब्लॉक पर। अच्छा 32 बिट 64 बिट क्या है तुम्हारा, देखो यही आ गया है डाउनलोड माइंडी कोडेड ब्लॉक, ये कोड ब्लॉक पे आना। डाउनलोड में मैं खोल देता हूं, नहीं तो तुम लोग को तो और टाइम पड़ेगा ना।
लो ये रहा लिंक, पहला ही वाला है codeblock.org पे चले जाना, वहां पर है कोड ब्लॉक, किसी को भी जिसका जो मन करे तुमको वो क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना, बात समझ गए। बस देख लेना 32 बिट और 64 बिट तुम्हारा कौन सा बिट है, 32 होगा और 64 बिट भी होगा, 32 बिट 32 बिट 32 बिट 32 बिट 32 बिट तुम यूज करना 64 बिट को। लिनक्स के लिए नहीं, ये लिनक्स है, लिनक्स के लिए नहीं, मैक ओएस के लिए नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है, तुम विंडोज के लिए इस्तेमाल करना, एक्सपी के लिए है, विस्टा के लिए है, हाँ टेन के लिए भी है, जो मन करे वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्योंकि 64 बिट के लिए बने भी नहीं किया है, तो 32 बिट वाला ही तुम्हारा काम कर जाएगा, किसी को भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, जो सबसे लेटेस्ट है वो कर लो ना, 29 मार्च 2020 का है ये चारों कोड ब्लॉक 20-5, ये यही ऊपर वाला ही कर लेना, किसी से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो जो ज्यादा इजीली कर दे वो ले लेना, डाउनलोड कर लेना, डबल क्लिक करके उसको क्या कर देना, इंस्टॉल कर लेना, ओके। फिर डाउनलोड करने के बाद देखो ये कह रहा है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली शॉर्टली, ये स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखो डाउनलोड चालू हो गया, ये यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, 35 MB का फाइल है मात्र, डबल क्लिक कर लेना, मेरे में ऑलरेडी है तो मुझे ये डाउनलोड नहीं चाहिए, सॉरी कहाँ कहाँ जाना है वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कंप्लीट करके रखना रात भर में, कल सुबह में दूसरा टॉपिक, देखो ओनली 50 आवर इज नीडेड फॉर कंप्लीटिंग द सी क्लास, ये था आपका दूसरा क्लास, पहला क्लास सुबह हो चुका था, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।